आज लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मची रही। पहली तस्वीर गोरखपुर की है, कुर्सियां खाली रही, मैदान हल्का हल्का सा रहा। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो मेरठ की है, जबरदस्त भीड़। यहाँ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ पहुंचे थे, भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूटते चले गए। इंसानों का इतना बड़ा सैलाब मोदी की रैली में भी नजर नहीं आया। पड़ गया है, लोगों का आना भी रुका नहीं है, ये भी भर गई। दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाएं तरफ मंच भरा है। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आईआईटी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आज मेरठ में हुई आरएलडी और समाजवादी पार्टी की परिवर्तन संदेश रैली में जहां तक नजर उठी, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आई। ये भीड़ देखकर भगवा चश्मा धुंधला रहा था। वैसे सभा स्थल के इर्द गिर्द कई भाजपाई खबरिया कनखजूरे भी मंडरा रहे थे, जिनकी आंखें इस भीड़ को देख कर खुद ही फटी थी। आज तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के सामने सारे भाजपाई फायर ब्रांड नेता फेल हो गए। इससे 10 गुना भी मैदान होता, 10 गुना भी मैदान होता, उस मैदान को भी आज भर देते। जो कोई कसर आज रह गई हो, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, किसान दिवस, हम इगलास की धरती अलीगढ़ में फिर दोबारा एकत्रित होंगे। मैं आप सबको भी न्योता दे रहा हूं कि 23 दिसंबर में आपको भी वहां अलीगढ़ पहुंचना है। जमीन ही नहीं, अखिलेश को देखने के लिए छतों से लोग झांक रहे थे। घर की बहुएं, माँ और बेटियों को जब मैदान में जगह नहीं मिली तो रैली स्थल के पड़ोस में बसे घर वालों ने उनके लिए अपनी छतें खोल दी। दाएं बाएं हर तरफ विशाल हुजूम तख्त बदल देने की आहट सुना रही थी कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। मेरठ में हुई इस रैली का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 120 से ज्यादा सीटों पर पड़ेगा। अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली का नाम दिया गया परिवर्तन संदेश रैली। रैली के जरिए अखिलेश और जयंत ने विरोधियों को अपनी एकता का साफ साफ मैसेज पहुंचा दिया। गठबंधन का पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ऐलान हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम होगा। ठंडे मौसम में आई ये भीड़ परिवर्तन की गर्माहट लेकर आई थी। एक तरफ योगी जी और मोदी जी की रैली भीड़ के लिहाज से सुपर फ्लॉप रही तो अखिलेश की रैली सुपर हिट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।